नमस्कार, स्वागत है आपका वी टाइम न्यूज पर और आपके साथ मैं हूं पहली चौहान। बढ़ते हैं खबरों की ओर। उड़ीसा के बालेश्वर में एक ट्रेन दुर्घटना में मारे गए दीपांकर मंडल का पार्थिव शरीर मुर्शिदाबाद के फरक्का में लौटा दिया गया था। मंगलवार की दोपहर करीब दीपांकर मंडल का शव फरक्का बेवा एक पंचायत के पलाशी गाँव पहुंचा। 37 वर्षीय व्यक्ति का शव जब लौटा तो पूरा परिवार फूट फूट कर रो पड़ा। मृत दीपांकर मंडल को देखने के लिए जुटे ग्रामीण, इस दिन जब दीपांकर मंडल का पार्थिव शरीर उनके एक गांव घर लाया गया तो फरक्का थाने के आईसी देवव्रत चक्रवर्ती, वीडियो जुनैद अहमद सहित अन्य अधिकारी उनके घर पर मौजूद थे। उल्लेखनीय है कि फरक्का की बेवा एक पंचायत के पलाशी गांव के 37 वर्षीय दीपांकर मंडल अपने घर के काम के सिलसिले में चेन्नई जा रहे थे, लेकिन वह ओडिशा के बालेश्वर में कर्म मंडल और यशवंतपुर एक्सप्रेस ट्रेन दुर्घटना से प्रभावित हुए थे। हादसे के एक दिन बाद वह लापता हो गया था। परेशान होकर परिवार के सदस्य ओडिशा के बालेश्वर पहुंचे। अंत में दीपांकर मंडल का अधजला शव मिला। किना